दोस्तों अक्सर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर हमें एक ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें हमें सिर्फ 20 से 25,000 रुपये लगा के हमें कुछ करना ना पड़े, हर महीने हमारे 20 से 25,000 रुपये है। तो मैम क्या कहना चाहोगे इस बिजनेस के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही बिजनेस हम लेके आए हैं जिसमें लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अच्छा? ये डिवाइस सिर्फ घर की छत पे टांगना है और आप जो है घर पे बैठे महीने का जो है 8 से लेके 32,000 रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं पड़े उन्हें? बिल्कुल भी नहीं, घर पे बैठो और अपने डिवाइस लगा दो छत के ऊपर। अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ ट्रिप पे तभी मैं पैसा कमाऊंगा? तब भी आपकी इनकम आती रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं सो भी रहा हूँ तब भी मेरा पैसा आएगा, इनकम आती रहेगी। तो हर महीने आपको 8 से 32,000 रुपए घर बैठे आ सकता अगर आपने एक छोटी सी डिवाइस लगाई। और आज का जो बिजनेस होगा काफी यूनिक और काफी सिंपल होने वाला, क्योंकि उन महिलाओं के लिए भी यहाँ पर काफी अच्छा सुनहरा मौका है जो अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती, अपने घर पर रहकर अपनी फैमिली में रहकर एक छोटा सा स्टार्टअप करना चाहती है। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप सो भी रहे हैं, कहीं घूम भी रहे हैं, अगर आप काम भी करें तब भी आपका पैसा आ रहा है इसमें, ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना, ना मार्केट में जाना, ना ये प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना। अगर आपने ये डिवाइस अपनी छत पर लगा ली तो कस्टमर आपके पास में खुद आएगा, खुद आपसे पूछेगा कि सर ये क्या है, किस तरीके से हम आपके साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आपने 200 लोगों को ये कनेक्शन दे दिया अपने घर पे छत पे लगाकर, तो आप 16 से 17,000 रुपये घर बैठे कमा सकते हैं बिना कुछ करें। दोस्तों ये जो डिवाइस आपको मेरे हाथ में दिख रही है इससे आप लाइफ टाइम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सो भी रहे या कहीं बाहर भी घूमने जा रहे तब भी आप इससे पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ आपको अपने घर की छत पे टांग देना है। अब इससे आपको पैसा कैसे कमाना है, अगर मैं बात करूँ इससे इनकम की पर मंथ की, तो आप इस छोटी सी डिवाइस से 8,000 से लेके 32,000 रुपये तक बिना कुछ करे कमा सकते हैं। कुछ लोग स्टार्टअप करते हैं बट उनका बिजनेस ठप हो जाता है या चलता नहीं है, उसमें उन्हें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, प्लस आपको मार्केट में घूमना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है, बट ये आपको अपने घर की छत पर टांग देना है और इससे आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग कैसे करनी है पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, किस तरीके से इस डिवाइस से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। मतलब आप अपने चाहे छोटे से छोटे गांव में भी रहते हैं, कोई से भी कस्बे में रहते हैं, के जो ब्रांड एम्बेसिडर कोई और नहीं है, हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कि इनके खुद ब्रांड एम्बेसिडर। तो आज की वीडियो स्किप मत करना, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि ऐसा बिजनेस करना जिसमें हमें कुछ करना ना पड़े, बस हमारा महीने का इनकम आता रहे, तो इससे किस तरीके से इनकम कर सकते हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कहाँ से देख रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सपना मैम हमारे साथ में जुड़े, तो सपना मैम ये जो मेरे हाथ में डिवाइस है इससे लोग किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं? इससे लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोगों को जो है हमारे थ्रू जुड़ना है और आप पूरी किट लेनी है। इस किट को इसके थ्रू जो आपको डिवाइस मिल रहा है इससे आपको जो है मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। अच्छा। और इसके थ्रू आप सिर्फ इसको डिवाइस को आपको लगाना है अपने घर पे और कुछ लोग जो है इससे खुद रिचार्ज करेंगे। अच्छा। खुद आपके पास आएगा और खुद इसकी सारी जानकारी लेंगे। अच्छा। हाँ जी, इसमें मतलब अपना कुछ मतलब काम करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं। ये प्रमोशनल के लिए आपको जो है कंपनी के द्वारा भी सपोर्ट रहेगा, मतलब गवर्नमेंटेड ही आपका पूरा रहेगा और आपको सपोर्ट प्रॉपर रहता है तो आपको खुद प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो कितना पैसा कमा सकता है? अगर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो वो अपने मल्टीपल इनकम सोर्स इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे इसके थ्रू आप मल्टीपल इनकम सोर्स जैसे कि रॉयल्टी इनकम, जैसे पेंशन इनकम होती है। अच्छा। हर मंथ लोगों को चाहिए होती है तो वो पेंशन इनकम आप इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं हर महीने। दूसरी आपके होते हैं रिचार्ज रॉयल्टी, जो इस डिवाइस के थ्रू आपको आपके खुद के डिवाइस से आएगी, जो कि कम से कम 80 से 90% तक की आपकी रिचार्ज रॉयल्टी से होती है। अच्छा। तो तीसरी आपकी इनकम होती है इसमें सेल्स एंड रेफरल इनकम। अच्छा। अगर आप किसी को सेल करते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो उससे भी आप इससे मल्टीपल अपनी इनकम कर सकते हैं। और इससे चौथी इनकम होती है आपका खुद का, आप इसके थ्रू अपने एम्प्लॉय रख के टीम रख के उनसे काम करा सकते हैं। अच्छा। जिससे काफी लोग आपसे जुड़ेंगे और वो आपको जानेंगे। अच्छा, जैसे मैम ये डिवाइस है तो इससे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 8,000 रुपये से लेके 32,000 रुपये तक कोई भी इससे कमा सकता है बिना कुछ करे, तो मतलब 8,000 में कौन सी डिवाइस लगेगी, 16,000 में कौन सी लगेगी, 24,000 में कौन सी लगेगी और 32,000 में कौन सी लगेगी? हमारे पास चार तरह की रेंज के डिवाइस हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और एक अभी हमारा 600 मीटर का डिवाइस भी है जो कि 360 डिग्री पे वर्क करते हैं, मतलब राउंड में। अच्छा, पूरा? हाँ, राउंड में। मतलब अगर पूरे मतलब एक गाँव में लगा दे तो मतलब 500-600 मीटर तक वो पूरा रेंज। एग्जैक्टली।
तो मतलब आधे गांव को कवर कर लेगा। हाँ, अच्छा। और जितनी रेंज का डिवाइस रहेगा उतने ही यूजर्स आप इसमें ज्वाइन करा सकते हैं। मतलब अगर 100 मीटर की रेंज का डिवाइस है तो 100 यूजर्स, 300 मीटर की रेंज का डिवाइस है तो 300 यूजर्स, और अगर 600 मीटर की रेंज का कोई डिवाइस लगा तो 600 यूजर्स आप इसमें इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैम थोड़ा सा मेरे को ये बताए इस डिवाइस को कौन कहाँ लगा सकता है। लाइक मेरा रेस्टोरेंट है, मेरी नाई की दुकान है, मेरा पेट्रोल पंप है, तो मतलब कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट, पीजी, हॉस्पिटल, आपके ग्रामीण एरिया हो गया या लाइब्रेरीज हो गई, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गई, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको इंडोर में वर्क करना है तो ये हमारे पास इंडोर डिवाइस है। अच्छा। ये हमारा 50 मीटर का इंडोर डिवाइस है, आप इसको घर के अंदर लगा सकते हैं और 50 लोगों को आप इसमें कनेक्टिविटी दे सकते हो। लाइक अगर हम इंडोर में फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ले लेते हैं, पीजी ले लेते हैं, लाइब्रेरीज ले लेते हैं, तो काफी ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ पे कनेक्टिविटी जा नहीं पाते, तो इस डिवाइस के जरिए आप लोगों को कनेक्टिविटी दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात इसमें सेफ ये है कि आप जैसे वाईफाई के थ्रू हम किसी को पासवर्ड देते हैं तो आईपी एड्रेस हमारा उनके पास चला जाता है। जी जी। तो जैसे आप आज के टाइम पे क्रिमिनल केसेस काफी आते हैं इस चीज से, तो इससे ये सेफ्टी आपको मिल रही है कि अगर आप किसी को पासवर्ड दोगे तो ये आपका आईपी एड्रेस किसी को भी नहीं पहुंचाएगा, उनका खुद का इंडिविजुअल आईपी एड्रेस जनरेट होता है। अच्छा, तो मैम जो हमारे किट का पूरा सेटअप रहेगा, हमारे किट में क्या-क्या आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे? हमारे किट में जो है आपके जैसे डायरी देख रहे हैं, ये आपकी प्रमोशनल डायरीज होती है, ये डायरीज आपको मिलती है, इस तरीके के आपके पेन्स मिलते हैं, आपके मग होते हैं। अच्छा। और टी शर्ट होती है हमारे पास, वो भी अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज होती है, और आपके इसके अंदर जो है कैप्स होती है, बैनर होते हैं, तो बैनर भी हम जो है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जो साइज बताते हैं हम वो बैनर देते हैं प्रॉपर उनके एड्रेस के साथ। अच्छा। ताकि वो जहाँ पे लगाए उनका प्रॉपर एड्रेस आए। तो जैसे आप ये देख रहे हैं इस तरीके के बैनर हम प्रोवाइड करते हैं। जी, 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 तो आप प्रॉपर लाइक अपना पूरा एक फ्रेमवर्क स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट हाई इनकम सोर्स हम आपको दे रहे हैं। और क्या क्या डिवाइस हमारे पास मिल जाएगा? ये हमारे पास 300 मीटर का डिवाइस होता है, इसमें आप 300 यूजर्स कनेक्ट कर सकते हो और इंस्टॉलेशन भी इसकी काफी इजी होते हैं, इजी टू इंस्टॉल है, आप लेके जाओ डिवाइस और इजिली आप अपने पीडीओ से इससे राउटर से कनेक्ट करो और लोगों को कनेक्टिविटी देना स्टार्ट करो। फिर हमारे पास ये आपका आता है, आपका 300 मीटर का ये डिवाइस आता है, ये भी 360 डिग्री एरिया में वर्क करता है। इनमें क्या होता है, ये आपको 360 डिग्री आउटडोर डिवाइस होते हैं। अगर इंडोर के लिए आपको चाहिए तो इंडोर के लिए हमारे पास, मैंने आपको बताया ये इंडोर डिवाइस आप ले सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा मतलब यूनिडायरेक्शनल आपको डिवाइस चाहिए और आपको इससे और भी ज्यादा वो करना है तो आप ये डिवाइस लगाइए, बेस्ट आपको जो है इससे रिस्पॉन्स मिलेगा। और वाटर प्रूफ डिवाइस है, सबसे बड़ी बात है, आप इसको बाहर भी लगाओगे तो उससे कोई दिक्कत इससे आने वाली नहीं है। ठीक है, तो डिवाइस की तो क्या क्या आइटम मिलते हैं वो सपना जी ने हमें बता दिया, बाकी सेल्स आपका कौन देखता है यहाँ पर? सेल्स हमारे रंजीत जी है, रंजीत जी हमारे टीम लीडर है, तो इनके द्वारा सेल्स। तो रंजीत जी से मिलते हैं, वो सेल्स में किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, क्या क्या सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, किस तरीके से वो कस्टमर का फीडबैक अपने पास लेते हैं, तो चलते हैं अब सीधा रंजीत जी के पास। तो रंजीत जी हमारे पास में जुड़ चुके हैं, सेल्स हेड है यहाँ के। तो सर सबसे पहले आप बताएं आपका काम क्या, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं, क्या क्या सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले तो मुझे 1 ईयर हो गया कंपनी में, मेरा नाम रंजीत सिंह है। जी जी। मेरा जो वर्क होता है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का होता है, जो भी डाटा मुझे कंपनी प्रोवाइड करती है तो उसमें जो डाटा आता है वो सी डॉट से आता है हमारे। अच्छा, पास जो भी गवर्नमेंट की साइड है उस पर जिसको भी जानना हो, जिसको कुछ लेना हो, किसी चीज में जानना हो तो वो इंक्वायरी कर देते हैं। अच्छा, लाइक क्या क्या इंक्वायरी आपके पास में आती है? सर जैसे कि हम हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या रेंज आ रही है, वो कितने में, क्या प्राइस है, क्या कॉस्टिंग है, इसका जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, ये सब चीज़ें मेरे पास आती है। तो मेरा मेन मोटिव होता है कि जैसे माली जो मतलब कस्टमर आते हैं वो दो टाइप्स के आते हैं। अच्छा। एक होते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, एक होते हैं मतलब सिंगल जो पर्सन के लिए। जी ठीक है। अब जो पर्सन होते हैं उनके बंदा टाइम नहीं होता कि वो एक बिजनेस को पूरा टाइम दे पाए, तो इसमें मेन मोटिव क्या है कि हम उनको पीडियो के लिए सजेस्ट करते हैं। अच्छा। कि जैसे हमारे पास लाइक 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर का पीडियो है। ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं कि जैसे हम एक बिजनेस एक जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो, जिससे कि हम मंथली 8,000, 16,000, 24,000, 34,000 के आसपास इनकम कर सकें। अच्छा ठीक है। तो डिवाइस में हमारा क्या स्पॉट होता है कि जब भी हम कोई भी डिवाइस किसी कस्टमर को देते हैं जी जी ठीक है, उसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट करके देते हैं। अच्छा। जो भी डिवाइस हमारे पास आता है वो कन्फिगर होकर जाता है सी डॉट से। अच्छा ठीक है। सर किसी को अगर डिटेल चाहिए जैसे लाइक मेरे पास में भी कितना लोगों ने रिचार्ज करा तो उसका डिटेल कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे लाइक मैंने लगाया अपना, ठीक है, पीडियो मैंने लगाया अपना, तो मेरे को डिटेल अगर मेरे को चाहिए कि कितने लोगों ने रिचार्ज करा, अभी क्या क्या मेरा चल रहा है, तो उसकी डिटेल मैं कैसे निकाल पाऊंगा? क्या होता है कि जैसे कि जब कोई कस्टमर अपना एक यूजर ने पासवर्ड करके अपना के
मतलब जो डिवाइस होता है उसका जो भी सॉफ्टवेयर होता है, इस पूरा पैनल दिया होता है अच्छा। कि इन लोगों ने कितना रिचार्ज किया, ठीक है, कितने अभी कनेक्टेड पड़े हैं, किस किस फोन से वो कनेक्टेड है, तो जितना भी पूरा ग्राफ होता है उसमें सब वो इनकी एक मतलब एप्लीकेशन होती है, उसमें सब शो किया जाता है। तो रंजीत जी से हमने सारी जानकारी दी, तो रंजीत जी आप पूरा सेल का डिपार्टमेंट का संभालते हो जो भी क्वेरीज आती है। जी सर, क्या होता है ना जैसे कि आप कोई कस्टमर नया नया आ रहा है तो उसके दिमाग में अच्छी रहती है कि अगर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो 50,000 हो, 1,00,000 हो, 2,00,000 हो, कि पैसे उसने देने कस्टमर ने, कि हम उसको हर चीज का डेमो दिखा के, पीडीओ का, जो भी हमारे अभी डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया में, तो वो उनका कैसा वर्क कर रहा है, उनके लिए हमारी मीटिंग रखी जाती है 4 से 5 बजे में, ठीक है। क्या होता है कि जब भी कोई चीज कस्टमर बाय करता है तो सामने वो एक ट्रस्ट होता है कि बंदे को कि हाँ भाई मैं चीज ले रहा हूँ, ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो वो मीटिंग में आते हैं, ठीक है, मीटिंग में आते हैं, अपनी इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है हम उनको अपना पर्सनल नंबर देते हैं कि आप उनसे मीटिंग आफ्टर मीटिंग के बाद तो उनसे वो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सौरभ जी के पास, वो आपको डिटेल में समझाने वाले, क्योंकि जो कि यहाँ के एड है, मतलब यहाँ के ओनर है, वो आपको डिटेल में, क्योंकि पैन इंडिया वही संभालते हैं, कस्टमर की जो भी क्वेरी जाएगी, जो भी आपके सवाल रहेंगे, वो सारा कुछ उनसे हम जानते हैं। तो आज की वीडियो में सौरभ जी हमारे साथ में जुड़े हुए जो कि यहाँ के ओनर है। तो सर, सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताएं, किस तरीके से आप लोगों के साथ में जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिंह है। अभी जिस तरह भी आपने देखा होगा कि जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी अपने हर स्पीच में, अपने हर भाषण में बार बार बोलते रहते हैं कि पूरे इंडिया को डिजिटली और आत्मनिर्भर बनाना है, जी जी। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि आज के आपके शहरों में हर जगह आपको वाईफाई, ब्रॉडबैंड या फिर नेट की सुविधा आपको हर जगह मिल जाती है, मेन दिक्कत कहाँ पे आती, गांव के एरिया में आती। जी जी। तो इसी चीज को देखते हुए ये योजना पीएम वाणी 2020 में आई थी, जिसमें आपके टेलीकॉम मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी। जी जी। इस योजना का विजन ये था कि पूरे इंडिया को डिजिटली और आत्मनिर्भर कनेक्ट करना, इसी चीज को देखते हुए पीएम वाणी का ये प्रोग्राम आया। इसमें अच्छा। क्या है कि इसका जो पीएम वाणी फुल फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, आज के 20 साल पहले सरकार ने लॉन्च किया था पीसीओ, हमने भी यूज करा हुआ, हम छोटे थे उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी, हर 100 मीटर 200 मीटर पे एक एसटीडी बूथ खोले गए थे, जी जी, जिसके तहत लोगों को सस्ते दामों में बात करने की सेवाएं दी जा पाए। आज के 20 साल पहले क्या था, हर घर में मोबाइल फोन नहीं थे, नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, इसी चीज को देखते हुए हर 100 मीटर 200 मीटर पे एसटीडी बूथ खोले गए। उसी चीज को देखते हुए आज के टाइम पे पीडीओ खोले जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक डाटा ऑफिस। अच्छा। कहने मतलब है कि आप एक मशीन को लगा के 200 लोगों को 300 लोगों को आप अपना डेटा बेच के उससे अपनी एक महीने की एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बिना कुछ करे, बिना कुछ करे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मशीन 300 मीटर की, अभी 300 मीटर मशीन में आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको अपने वाईफाई के साथ, इसमें केवल आपको एक अपने वाईफाई का कनेक्शन देना और अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आप इस मशीन को, आप यहां से कनेक्ट करके और आप इस मशीन को छत के ऊपर लगा के आप अपने डेटा को बेच सकते हो 300 लोगों को। अच्छा। हाँ जी, 300 लोगों को आप अपने डेटा को बेचोगे और ये डिवाइस आपकी छत के ऊपर लगती है, ये वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है। अब एक मशीन को लगा के 300 लोगों को अपना डेटा बेच के आप उससे एक अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अगर आज के टाइम पे अगर आप अगर किसी को अगर 5 रुपए में एक दिन के लिए 5 GB देंगे, कितना अच्छा प्लान रहेगा आज के टाइम, बिल्कुल रहेगा। तो हमारा विजन होता है कि गांव के एरिया में लोगों को ज्यादा पीडीओ लगवा के उनको डिजिटली कनेक्ट करना, और इसके तहत आज के टाइम पर लगभग हमारे पूरे इंडिया में लगभग हमारे 30+ हमारे ब्रांचेस काम कर रहे हैं। हाँ जी, 30 हमारे 30+ हमारे ब्रांचेस काम कर रहे हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, हमारा भी हर जगह हमारा वर्क हो रहा है। जी जी। तो इस मशीन को लगा के आप अपनी देखिए, इस मशीन की 1 टाइम की कॉस्टिंग है, इस मशीन में आपने 1 टाइम अपने कॉस्टिंग और लाइफ टाइम अर्निंग है, अर्निंग। तो इस मशीन की आपकी 1 टाइम की कॉस्टिंग और इस मशीन में आपकी 3 टाइप की लाइफ टाइम की इनकम है। अच्छा। इनकम ये पहला बिजनेस है कि जिसमें आपको 40% नहीं, 50% नहीं, इसमें आपको 80% का मार्जिन मिल रहा है। कहने मतलब अगर आपने अगर मशीन को लगाया है तो आप इस मशीन को लगा के 80% का रिचार्ज रेवेन्यू की अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी जी। अगर मैं आपको अगर एग्जांपल तौर पे बताऊं, अगर किसी ने अगर 100 रुपए का रिचार्ज किया है तो 100 रुपए के रिचार्ज में से 80% ऐसे जो डिवाइस लगाए हैं जितने लगाया उसको जाएगा, उनको जाएंगे 20% गवर्नमेंट अपने पास रखती है, मेंटेनेंस चार्ज, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, सर्वर प्रॉब्लम, सर्विस प्रॉब्लम। अच्छा। ऐसा नहीं है अगर इस मशीन कोई भी समस्या अगर आती है लाइफ टाइम तक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके कस्टमर को दिया जाएगा, उसके लिए भी उनको अलग से कोई भी कॉस्टिंग पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें आपको 80% की रिचार्ज रेवेन्यू मिलती है, या आपकी पहली इनकम। इसमें आपकी सेकंड इनकम आपकी रेंटल इनकम, आप इस मशीन को रेंट पे लगवा के रेंट पे देके आप ऐसे इससे एक रेंटल इनकम भी जनरेट करते हैं। ठीक है। इसमें आपकी थर्ड इनकम आती है, जो सबसे मस्ट इनकम है आपकी, वो है एड इनकम। अब आज के टाइम पे आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 10 सेकंड का 5 सेकंड का एड आता रहता है, बिल्कुल आपको आप स्किप नहीं कर पाते हो। उसी तरह आज के टाइम पे आप इस मशीन के थ्रू किसी का एड चला के एड दिखा के आप ऐसे अपनी एड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, रेस्टोरेंट, मॉल, शॉप, A to Z किसी भी चीज का आप इसके थ्रू एड चला के एड दिखा के ऐसे आप अपनी एड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस मशीन में आप
वन टाइम लगाइए और इस मशीन में आपकी तीन टाइप की आपकी लाइफ टाइम की इनकम है। अच्छा ठीक है, तो सर जो इसका डेटा लोगों को चाहिए तो मतलब किस तरीके से शो करता है उनके पास में, जैसे मैंने डिवाइस लगाई अपने पास में तो लोगों को कैसे शो करेगा वो? जैसे आपने मशीन को लगाया, अब आपने अपने वाईफाई से आपने यहाँ पे कनेक्ट किया जी जी, और जैसे इसको अपने अपने छत के ऊपर लगाओगे, ये मशीन 300 मीटर का एक हॉटस्पॉट नेटवर्क क्रिएट करती है 360 डिग्री में। अच्छा, नॉर्मल कोई भी वाईफाई ब्रॉडबैंड होता है वो केवल 120 डिग्री में ही काम करता है, बिल्कुल, मगर कोई भी हॉटस्पॉट होता है वो हॉटस्पॉट 360 डिग्री में काम करता है। अच्छा, तो ये डिवाइस आपकी काम करती है 360 डिग्री में। अब जैसे आप इस मशीन को लगाओगे, 300 मीटर मशीन जैसे आप लगाओगे, ये मशीन 300 मीटर का एक हॉटस्पॉट नेटवर्क क्रिएट करेगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ। अच्छा हाँ जी, और उस रेंज के अंदर जितने भी लोग आएंगे उनको पीएम वानी शो करेगा। अच्छा, तो जैसे कोई पीएम वानी पे क्लिक करेगा इसमें आपको कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, ये ओपन है। अच्छा, पासवर्ड को आपके वाईफाई ब्रॉडबैंड के पासवर्ड को गवर्नमेंट खोलने का काम कर रही है कि आप उसे खोल के अपने डेटा को बेचिए। तो जैसे कोई पीएम वानी पे क्लिक करेगा उनसे कोई पासवर्ड ना मांग के सीधे उनको लेके जाता है रिचार्ज प्लान की तरफ। अब वो लोग अपना वहां से ऑनलाइन ऑफलाइन रिचार्ज करते हैं और वो लोग वहां से अपना यूज करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना अभी गाँव में नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता कि मतलब 50% मान लो 50% जैसे हम जैसे लोग गूगल पे फोन पे वगैरह चलाते हैं, जो बुजुर्ग हो गए बच्चे हो गए तो उन वो गूगल पे फोन पे नहीं चलाते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है। अब जो लोग गांव के एरिए में जो लोग गांव के एरिए में फोन पे गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो लोग अपना ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपना ऑनलाइन पेमेंट या फिर नेट बैंकिंग यूज नहीं करते उनके पास ऑफलाइन सिस्टम भी है। इसमें आपको कूपन भी, अब हम चलते हैं आज के 10 साल पहले क्या करते थे, हम कूपन लेते थे, स्क्रेच करते थे, *121 कोड डालते थे, वाउचर नंबर हमारे मोबाइल में रिचार्ज हो जाता था, उसी तरह आपके पीएम वानी में भी है। अच्छा, ये जहां भी डाटा सेंटर लगे रहेंगे वहां पे आसपास आपको कूपन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप कूपन परचेज करके स्क्रेच करके वाउचर नंबर डाल, अनपढ़ बंदा भी इसको मतलब अनपढ़ बंदा भी जिसको पता भी नहीं हो वो बस स्क्रेच करके वो इसके थ्रू अपना वो डाटा अपना यूज कर सकता है। और आज ना हमारी अचीवमेंट ये है कि लगभग हमने लगभग 600-700 गांव को अभी तक हमने कवर किया है। और से देखिए बेनिफिट हमारा क्या है, बेनिफिट हमारा ये है कि गांव की हाउस वाइफ रोजाना अपने घर के बाहर नहीं निकलती है, हमने उनका वो महीने का वो रिचार्ज करती थी 300 रुपए का 400 रुपए का, आज के टाइम पे वो महीने का रिचार्ज करती है 150 रुपए का। गाँव का कोई बच्चा जो किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाके महंगी फीस देकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, हमने उनको सस्ते में आज के टाइम में हमने इंटरनेट प्रोवाइड कराया है। अरे वाह, और सबसे बड़ी बात इसमें है देखो आपको कैसे घर से बाहर नहीं जाना, प्लस आपको इसमें इनकम भी मिल रही है। अच्छा थोड़ा सा मेरे को ये बता, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो वो उनके लिए कंपनी क्या सपोर्ट करती है? कुछ लोगों को चाहिए कि जो आसपास से डेटा आ रहा है उन्हें कस्टमर भी चाहिए, तो किस तरीके से आपकी कंपनी सपोर्ट करती है? आज के टाइम पे क्या है कि हमारी कंपनी आपको एज ए रिटेलर होलसेलर सप्लायर अपॉइंट कर रही है। अगर आज के टाइम पर अगर किसी को अगर पिन कोड लेना है तो आप ऐसे पिन कोड पे वर्क कर सकते हैं एज ए रिटेलर बन के, विधानसभा पे अगर आपको वर्क करना है तो आप ऐसे वर्क कर सकते हैं होलसेलर बन के, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वर्क करना है तो आप ऐसे वर्क कर सकते हैं सप्लायर बन के। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक स्टेट पे वर्क करूं तो उसके लिए आप CNF बन के आप एज ए अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर ये डिवाइस डायरेक्ट एज आप परचेज नहीं कर पाओगे तो मार्केट में इसके सप्लायर होलसेलर रिटेलर रहेंगे, तो ये डिवाइसेस कस्टमर के पास और जल्दी पहुंचेंगे, उसकी सर्विसेज आपके पास रहेगी। बिल्कुल, तो आज के टाइम पे इसके रिटेलर सप्लायर होलसेलर बनाए जाने की जिसके थ्रू ये मशीनें लोगों को ज्यादा जल्दी वहां पे प्रोवाइड हो सके और इनको सर्विस वहां पे प्रोवाइड की जा सके। और इसमें देखिए अगर कोई वगैरह एज ए रिटेलर बनता है सप्लायर बनता है तो इसमें देखिए लॉयल्टी इनकम भी आती है। लॉयल्टी इनकम क्या है कि आपने वन टाइम आप इसमें आपको देखिए तीन से चार टाइप इसमें इनकम आती है। पहली इनकम आपको डिवाइस सेल करोगे उसको भी उसमें भी आपकी इनकम आनी है, प्लस आपने डिवाइस एक बार आपने बेच दिया, डिवाइस बेचने के बाद भी आपके पास पिन कोड पे विधानसभा डिस्ट्रिक्ट पे आपको लॉयल्टी इनकम आती रहती है। कहने मतलब क्या है कि एक बार आपने अगर अपने पिन कोड पे 100-200-500 अगर डिवाइसेस लगा ली, अब आपने वन टाइम लगा दिया तो उसके बाद आपके पास लॉयल्टी इनकम लाइफ टाइम तक आती रहेगी। प्लस हम इसमें आपको कॉल सेंटर की सीटें भी प्रोवाइड करते हैं, एक पिन कोड पे हम आपको 2 सीटें देते हैं कॉल सेंटर की, एक विधानसभा लेवल पे हम आपको 4 सीटें देते हैं कॉल सेंटर की, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आपको 8 सीटें देते हैं कॉल सेंटर की। हम आपको कॉल सेंटर की सीटें क्यों देते हैं? अच्छा, आज के टाइम पे क्या है कि कोई भी अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो एज ए सिंगल मैन कभी भी एज ए वो वर्क नहीं कर पाएगा, उसके लिए मैन पावर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए हम उनको कॉल सेंटर की सीटें भी प्रोवाइड करते हैं और हम उनको फिक्स सैलरी प्रोवाइड करते हैं 12,000 रुपए। अच्छा, वो वहाँ पे उनके लिए काम करते हैं। और इसमें आपको मेन चीज क्या है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कस्टमर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, हम उनको कस्टमर भी देते हैं उनके लोकल एरिया में, उनके पिन कोड पे, विधानसभा पे, डिस्ट्रिक्ट पे, डेली बेस पे हमारे पास लगभग जितने लोग इंक्वायरी करते हैं मुझे पीएम वानी लेना है उन सभी कस्टमर उनको दिए जाते हैं और वो उनकी क्लोजिंग करके अपने एक महीने की अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। बिल्कुल, आजकल ना लोगों को डाउट होता है कि कंपनी पे कैसे ट्रस्ट करें क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए मेन चीज क्या है कि हमारा
हमारा कभी हमारा कहना नहीं है कि आप ऐसे प्रोडक्ट लीजिए। सबसे पहले क्या है कि आप प्रोडक्ट को समझिए। बिल्कुल, किसी भी चीज को करने के लिए अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पेपर वर्क समझिए। आपके लोकल एरिया में जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, उनका फीडबैक लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप अगर दिल्ली अगर आप आना चाहते हैं हमारे हेड ऑफिस तो यहाँ पे आपको रहना खाना फ्री देते हैं। लोकेशन कहाँ पर हो जाएगी हमारे? ये आपके यहाँ है निर्माण विहार, ठीक है, A15 गुरु नानकपुरम है, ये हमारी ऑफिस है 401। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे आप आके डेमो लीजिए, यहाँ पे आपको रहना खाना फ्री देते हैं। रहना खाना फ्री आपके लिए है। बस केवल आपके जाने और आने के बाद कॉस्टिंग लगनी है। आपको रहना खाना फ्री है, ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। अच्छा, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। हम आपको जो कॉल सेंटर की सीटें देते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रॉपर चीजें बताई जाती है, समझाई जाती है किस तरह वर्क करना है, प्रॉपर गाइडेंस किया जाता है। और हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और डेली हमारी शाम को 4 से 5 हमारी डेली मीटिंग भी होती है। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्या है कि आज के टाइम पे क्या है कि अगर कोई एक कॉल से कोई चीज को समझ नहीं पाता है तो डेली हम 4 से 5 हम अपना एक ऑनलाइन वेबिनार मीटिंग रखते हैं, जिस मीटिंग में हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं। जिन लोग समझना होता है पीएम मनी फर्स्ट टाइम वो भी लोग आते हैं, उनको प्रॉपर चीजें बताई जाती है, क्लियर की जाती है। और उनके लोकल एरिया में जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं न्यू क्लाइंट्स का नंबर उनको ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। मतलब उनको कस्टमर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डेली कंपनी के बिहाफ पे कस्टमर लीड जनरेट करके हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है कि जिसके थ्रू वो अपनी डेली के एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेरे को थोड़ा सा क्लियर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे देखिए लाइसेंस है ऐप प्रोवाइडर का। अच्छा, ठीक है, ये हमारा लाइसेंस है PDOA का, ये हमारा लाइसेंस है वोकल फॉर लोकल। अच्छा, आज के टाइम पे क्या है कि वोकल फॉर लोकल मतलब कि हम कोई भी डिवाइस हम आपको मेड इन चाइना हम आपको सेल ही नहीं करते, हमारे पास एज ए मेड इन इंडिया डिवाइस है तो वोकल फॉर लोकल। अच्छा, मेक इन इंडिया है। हाँ जी, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका देखिए मेक इन इंडिया है, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ये आपका डाटा प्राइवेसी का है। अच्छा, एज ए कस्टमर एज ए अपना अगर रिचार्ज करता है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देता है तो उनके डाटा को प्राइवेसी रखने के लिए एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट है। ये आपको सारी चीजें यहाँ पे दी जाती है। ये आपका GST है, प्लस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देख पाए तो ये आपका है आत्मनिर्भर भारत, इसका लाइसेंस है। ये सारे सर्टिफिकेट आपको अलॉट किए जाते हैं, स्टार्टअप इंडिया का इसमें है। और प्लस इसमें आपको देखिए मेन बेनिफिट क्या मिलता है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट इसमें आपको एज ए बहुत फोकस कर रही है। आज के टाइम पे आपके MP MLA गांव के सरपंच मेयर इन सभी लोगों को थ्रू आप इस मशीन को लगवा सकते हैं। एज हमारे कोई अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो उनको मेन हमको एक ऑप्शन देते हैं कि आप गांव जाइए, गांव के सरपंच को कनेक्ट कीजिए और गांव के सरपंच के थ्रू आप इस मशीन को, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि गांव के हर सरपंच ऑफिस पे एक वाईफाई कनेक्शन होना कंपलसरी है। जी जी। मगर ये दुर्भाग्य है कि लगभग 90% गांव ऐसे पूरे इंडिया में कि जहां पे अभी भी वाईफाई ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है। जी जी। तो लगभग हमने 600 गांव को हमने अभी तक कनेक्ट किया है, हर गांव हमने वाईफाई ब्रॉडबैंड लगाया है जिसके थ्रू ये मशीन वहां पे इंस्टॉल की गई है। बिल्कुल। और इसमें आपको देखिए मेन देखिए कई लोग दिक्कत आती है कि सर हमारे एरिया में वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं तो मैं कैसे लगवाऊं। जी जी। तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि जिस एरिया में वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं है वहां पे आप 3 तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन जियो का BSNL का एयर फाइबर के थ्रू आप इस मशीन को लगा सकते हैं। जी जी जी। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन आता है पोस्टपेड सिम के राउटर तो आप इस मशीन को लगा सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है बड़े लेवल पे जी जी। तो लीज लाइन का कनेक्शन लेके भी आप इसको लगा सकते हैं आज के टाइम पे। अगर आज के टाइम पे अगर आप अगर सर्च करें गूगल पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का लाइसेंस केवल मिलता है 30 लाख रुपए का, 5 लाख से स्टार्ट होता है, 30 लाख रुपए तक जाता है। उसमें केवल आपको एक पेपर का टुकड़ा मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको 5 से 30 लाख रुपए लेने की लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक मशीन को लगा के ऐसे आप अपनी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जिसके इसके हमारे खुद के हमारे जो ब्रांड अम्बेसडर हमारे खुद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिसके तहत ये योजना चलाई जा रही है। और हमारा मेन फोकस है कि लगभग 2027-28 तक पूरे इंडिया में लगभग 3 से 4 मिलियन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाए जिसके तहत लोगों को डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर के तहत पूरे गाँव को कस्बों को इसके साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल। तो सौरभ जी ने आपको सारी जानकारी आपको दे दी, उसके बाद भी कोई भी क्वेरीज रहेगी हो अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। जैसे कि सर ने बताया कि रहना खाना आपके लिए यहाँ पर फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है, घर बैठे आप लगा सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए भी मंगा सकते हैं इसे। अगर आपको इसे पैसा कमाना है तो आप मतलब कोई अगर मल्टीपल डिवाइस लगाना चाहे तो उसका भी ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आज के डेट में क्या सब कोई कहता है कि सर मैं एक वाईफाई से क्या मैं मल्टी डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं सर अगर मैंने 300 मीटर डिवाइस लगा दी, एक चीज मैं फिर से क्लियर में करना चाहता हूँ। कई लोग क्वेश्चन ये भी आता है कि सर मैं हर डिवाइस में अलग अलग मैं रिचार्ज करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप एक रिचार्ज से पूरे इंडिया में कहीं भी आप ट्रेवल आप कर सकते हैं। कहने मतलब अगर आपने अगर 100 रुपए का रिचार्ज किया वो महीने भर का आपने प्लान ले लिया, 100 रुपए में अगर आपने अनलिमिटेड प्लान ले लिया महीने भर का, तो 100 रुपए के प्लान में आप पूरे इंडिया में कहीं भी आप ट्रेवल करें, एक रिचार्ज से आप पूरे इंडिया में कहीं भी आप ट्रेवल करके
हर डिवाइस आप कनेक्ट आप हो सकते हैं इसमें, हर डिवाइस है इसमें, आपका रोमिंग सिस्टम भी है। अगर आपने रिचार्ज किया कश्मीर में और आप चले गए कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी में जो मशीन लगी है पीएम मानी की, आप उससे ऑटोमेटिक आप कनेक्ट आप हो जाओगे। अच्छा। इसमें आपको हर डिवाइस में अलग रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो अगर आपका जो प्लान वैलिड है तो पूरे इंडिया जितनी भी डिवाइसेज लगी आप उससे आप कनेक्ट आप हो सकते हो। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बीमारियां किसके थ्रू फैल रही हैं? आपके सिम और टावर के थ्रू। सिम और टावर तो आपके पास फैलती हैं रेडिएशन, जिसके तो होती हैं बीमारियां। तो इसी चीज को देखते हुए इस योजना के तहत हमने लगभग हर गांव को, हर कस्बों को हमने कनेक्ट किया आज के टाइम पे। और जिसके तौर देखिए हमारा मेन फोकस क्या होता है, अभी जो आपने एक मतलब क्वेश्चन पूछा कि इसमें एज ए बेनिफिट उनको मतलब किस तरह होगा, क्या उनके साथ सारी चीजें हैं, इसमें क्या है कि आप एक डिवाइस से जैसे कि अगर आपके पास अगर एक अगर वाईफाई है तो एक वाईफाई से आप मल्टी डिवाइसेस आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको देखिए दो पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक डिवाइस से आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, एक डिवाइस से कनेक्ट करके आप इसी के वायर के थ्रू आप मल्टी डिवाइस को आप वहाँ पे लगाते जा सकते हो। आपको हर डिवाइस पे आपको हर डिवाइस के लिए अलग अलग आपको वाईफाई लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक वाईफाई से आप मल्टी डिवाइस को आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैंने अनलिमिटेड पैकेज ले लिया है तो मैं कहीं भी, अगर कहीं भी डिवाइस लगा हुआ है, लाइक अगर मैं कोई भी सिटी में जा रहा हूँ अगर आसपास में उसके मतलब रेंज में पहुंच गया तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसके देखो अगर आपको बेनिफिट लेना है, देखो आपकी एक छोटी सी शॉप है, आपका रेस्टोरेंट है, आपके पास में कस्टमर आते हैं, तो मतलब वहां पर भी आपकी डबल इनकम हो सकती है, क्योंकि वहां पर अगर आपने डिवाइस लगा लिया जिसको डेली वेज जिसके डेटा मतलब यूज करने की आदत है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे लगा सकते हैं, होटल हॉस्पिटल में मतलब कहीं भी इस डिवाइस को लगाकर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, मतलब डबल इनकम आप कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम क्या कहना चाहेंगे सर इस बिजनेस के बारे में? हमारा कहना ये है, हमारा केवल एक हमारा मोटो होता है कि पूरे इंडिया को डिजिटली आत्मनिर्भर बना के लोगों को सस्ते दामों में सेवाएं देनी है पीएम मनी। आज के टाइम पे क्या है कि अगर आप देखो जियो आपको 15 रुपए में 1 GB दे रहा है, हम आपको बात कर रहे हैं 5 रुपए में 1 दिन के लिए अनलिमिटेड प्लान की। जे जे। अब आपने आपको 5 रुपए लगाना है कि आपको 15 रुपए लगाना है, डिसीजन आपका रहता है। जे जे। और देखिए सर मेन चीज क्या, अगर किसी को अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना है या फिर फ्रेंचाइजी लेना है, पिन कोड लेना है, तो आप हमारे मीटिंग में आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपके नियर हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे आप उनको आपका नंबर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और आप जाके वहाँ पर प्रॉपर डेमो लीजिए, चीज़ों को देख के आप आगे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंगल डिवाइस भी लेके कर सकते हैं या फिर आप इसका बिजनेस मॉडल भी लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये डिवाइस लगाना है या इनका बिजनेस मॉडल लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ मेंशन करते हैं। बाकी इस वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।